टू चलाने घर बस्ता नहीं हुए भिखारी आया मुझे कैफे में लाया वाले तो गली में केटीएम का हैंडल लगा इतना ज्यादा बदतमीज चाहिए बिल देके वजह बेहोश हो। सो हे गाइस कैसे आप लोग आज हो पल ठीक होंगे और आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं बहुत ज्यादा मस्त वाली है भाई। तो बाकी गाइस अजय बाइक में भाई प्रॉब्लम आ गई थी पिछले संडे को तो वही जा रहे थोड़ा वो ठीक करवाएंगे बाकी शाम का प्लान है चलते हैं तुमको दिखाते हैं काम करते हो यार नकली मिस्त्री हो यार तुम भाई एक संडे राइड मारते हो फिर खत्म जाती है। केटीएम का हैंडल लग रहा है जिसको ब्लैक किया जा रहा है जुगाड़ू बंदे ये देख लो अजय के जलने वाले तो अजय की गली में ही है वही पड़ोसी पूरी बाइक का नुकसान उसी ने किया है देख लो ये पूरा हिला दिया ये भी तोड़ दिया है अभी चिपकाया इसने। सो गाइस एक छोटा सा काम था जो कि मैंने निपटा दिया डीसी चौक के साइड और चारों आसो तो उसको पिक करूंगा और चलूंगा घर ना इसने वहाँ पे सट लिया ना यहाँ पे मूवी देख रहे मैं तो इसे सोच फोटो ले लिया कह रहा है एक दो फोटो ले ले मेरे के बच्चे है जो भी मतलब मैं आया अपन पैसे खर्च करने हम तो अपना यू ट्रैवल लेने आए थे अपना था इस पे जाने का अब लग रहा है वो सपना मेरे बच्चे पूरे करेंगे दोस्तों पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था वहाँ पे बट प्राइस इतने थे पसंद भी नहीं पसंद आ रहा था भाई हमें मंगल बाजार से शॉपिंग करने वाले तो हमें मंगल बाजार की छपरी पसंद आएंगे जिनको जो लगता है जैसे जज करना है जज करें वी डोंट केयर भाई छपरी प्लेस है देख लो एडवेंचर लैंड मेट्रो वॉक कोई सबकी पसंदीदा जगह भाई मेरी तो नहीं है और एक बार मेरे को यही पे पुलिस वाले ने पकड़ा था जब चूचू की बाइक लेकर आते नहीं नहीं आरोप भाई बट हुआ कुछ ऐसा था कि उस बंदे ने भाई हमें पुलिस वाले ने मतलब छोड़ दिया बहुत अच्छा था उनको पता था चल गया था कि हमने नई बाइक ली है। आशुतोष तो कितना अच्छा बंदा है मुझे कैफे में लाया कॉफी पिलाने फुल पैसे खर्च करेगा आज आशुतोष मेरे पे आ गया देख लो उसका बैग नहीं जा रहा अंदर भाई बंद नहीं है यार ये देख ले नहीं दिख रहा कोई बंद नहीं है यार कोई खोल लेगा तो लेके चलेगा भाई मेरे को मत बोली बात में जा ही लेना पहले ही ले लेता अबे बंद कर देना इसको खराब कर ओ भाई क्या पानी है भाई क्या बात भाई बहुत अच्छा टपड़ी नाम से केजीएफ से आई है भाई केजीएफ मूवी में से ना कॉपी करी गई है इस बाइक तो चला के देखूंगा कितना मस्त लगेगा बता दो कैसी है भाई चलने में ये कंटेंट मिल गया मेरे को भाई सब मिलते हैं यार एक अपनी दोस्त है कह रहा है सारे सारे व्यूअर्स को बाहर है तो चाटे भाई मैं इसकी इंस्टा आईडी बता रहा हूँ सब जाके इसकी इंस्टा आईडी पे इसको गंदे गंदे गाली दो माल बहन की इंस्टाग्राम तो है ही ना भाई इतना बेकार बंदा बाइक को देखो बाइक को क्या कर रखा है क्या कर रहा था भाई जिनके पास बाइक नहीं है ना उनकी उनके बारे में सोच जैसे मेरे पास बाइक नहीं है ना स्कूटी है इसके पास एक बाइक नहीं है बंदा घूम रहा है बाइक को गिरा रहा है वो आईफोन तेरे पास कितना अमीर है समझ डायनेमिक रेडी है कल के संडे राइड के लिए हैंडल भी लग गया भाई केटीएम का इसमें मस्त हो गई है बिल्कुल एरिया का चोर है सभी की बाइक में से यही करता है पेट्रोल चोरी और अंकित की बाइक में से पेट्रोल चोरी कर रहा है चोरी के देखो कहाँ पे पेट्रोल डाला जा रहा है बहुत ज्यादा घर बस्ता नहीं हुए भिखारी आते थे तेरे जैसे चार पांच तू भी उनमें से है क्या पेट्रोल चोर बाइक का काम तूने किया है नहीं झूठ मूठ का बोलते तूने किया है हाँ वैसे भी तो सगल से दिख रहा है तू फ्री की क्रेडिट लेता है ले फ्री की क्रेडिट पेट्रोल की चोरी चल रही बहुत धंक वाली डब्बे लेके बंदे खड़े हैं जाम से परेशान यार देख लो सतीश को मौका मिल गया केजीएफ टू चलाने का अब बड़े जोश के साथ चलाएगा वेरे हैंडल नहीं बहुत कुछ हिलता है सही से चलियो भगवान में प्यारा जगह तेरी शादी भी नहीं होगी ये अपनी बाइक लेके जाएगा मैं तो अपनी स्कूटी पे और ये जाएगा अंकित की बाइक पे साइलेंसर का आवाज तो सुना दे गाइस इसको गिव अवे करने वाला हूं जिसके कमेंट पे 0 लाइक तेरे कमेंट पे 0 जिसके कमेंट पे 500 लाइक होंगे उसको दूंगा ये गिव अवे में अजय कितना अच्छा बंदा यार हमेशा देखता ना रोड पे किसी की भी हेल्प की नीड होती है हमेशा हेल्प करता है इसने भी रिक्शे वाले को अंडरपास में भाई हेल्प करी है उसकी बैटरी खत्म हो गई थी जो बादली स्टेशन है भाई बहुत खतरनाक स्टेशन है भाई रात के टाइम पे बहुत ज्यादा चोरी चटारी होता है छीन छराटा होता है भाई पिछले महीने की बात है भाई पिछले महीने या फिर 3-4 महीने हो गए एक लेडीज क्रॉस कर रही थी मतलब अकेले ड्यूटी करके इस साइड से आ रही थी रोड की साइड से और उसके साथ भाई बहुत गलत हुआ तो भाई पता नहीं भाई मुझे पता नहीं चला किसने किया और उनको सजा मिली कि नहीं मिली गाइस अभी मैं जा रहा था डीसी चौक कुछ काम से तभी सतीश का फोन आया कह रहा भाई यार एक सामान ले ले यार दुकान से
और जल्दी ले ले, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। तो यार दोस्तारी निवार में जरूरी है तो लेना पड़ेगा, तो जा रहा लेने। बाकी गाइस सतीश ने बिल्कुल सही कहा था यार कि जल्दी चला जाए, दुकान बंद होगी। देखो दुकान बंद होगी, दूसरी जगह जा रहा लेने। फाइनली मिल चुका हमें ये, अब डिक्की में रखते चलते हैं। देख लो वो भी फैक्ट्री की छुट्टी सामने, जिस कारण भीड़ हो गया रोड तो भाई ठेके पे कितनी भीड़ है। अभी फोन आया था यार कि डीसी चौक जाना भाई कैंसिल हो गया भाई, जाना था किसी का, हेलमेट ला रखे थे भाई, नीचे भी अंधेरे में दिखा नहीं होगा। बाकी मैं अपनी सेफ्टी में अपने हाथ लेके चलता हूँ, पुलिस वाले मुझे पता है मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं लेके चलता हूँ अपनी हेल्थ सेफ। अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो तो भाई सेफली ड्राइव करो, और ऊपर से भाई हेलमेट वगैरह ग्लव्स वगैरह भाई यूज़ करो। और अभी हम बादली स्टेशन पे हैं, थोड़ी देर पहले ही आई पे गुजरे थे भाई अजय अजय के साथ, उन सबको भाई घर छोड़ दिया था मैंने। नॉर्मली मैं भाई ब्लॉग को बोरिंग ना करने की सोचता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम देता हूँ फालतू फालतू चीज़ें। बाकी गाइस ये सेकंड डे, और भाई उस दिन भाई करवाया तो था सॉकर, लेकिन फिर भी भाई वायरिंग उल्टी लगी जिस कारण लीक हो गई। आज दोबारा जा रहे हैं जयपुर, और इसके बाद लेके आएंगे सील और दोबारा लगेगी। भाई गाइस अभी हम जहांगीरपुरी पार कर चुके हैं, और भाई दिल्ली की गर्मी भाई हालत खराब कर रखी है, लेकिन भाई घर से काम करना है तो भाई घर से तो निकलना पड़ेगा भाई, घर में बैठे बैठे भाई काम तो होगा नहीं, अगर कुछ कर रहा है तो भाई घर से निकलो। तो हम तो भाई घर से निकल चुके हैं, और आप भी ट्राई करो निकलने के लिए। जयपुर का मार्केट भाई सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं, ये मेट्रो स्टेशन से पहले पड़ता है, फ्लाई ओवर अंडर पास से पहले। पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, ये रहा सर्विस सेंटर यमा का, वो देखो सामने खड़ी है नई वाली हार ले। अभी गाइस देख लो 376 रुपये की थी, लेकिन हमारे पास पुरानी वाली मिल गई है तो 300 रुपये पड़ेगी, दो ले रहे हैं हम। एक घंटे से रुके हुए, हमें सब सामान ही नहीं मिल रहा हमें। अब मूवी देखो कौन सी चल रही है, बस दो ही सामान में बन गया इसका 1000 रुपये बिल, इसकी हो गई भाई यमा वालों ने इसको लूट लिया। और डिस्काउंट के नाम पर भाई इनको कुछ नहीं दिया है, जबकि ये स्पॉन्सर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा भाई आपको यमा। और ऊपर से ये तो स्पॉन्सर राइट पे भी आया था, ये जापानी कंपनी है भाई, जापानी कंपनी तो बर्बाद कर देगी, देना पड़ेगा इंडियन ब्रांड रॉयल एनफील्ड लेना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं, देखते हैं अब क्या काम रहेगा। बिल देखे भाई अभी बेहोश हो रहा है, और अभी जा रहा है वो कहीं रजौड़ी गढ़ काम से, उसका ब्लॉग भाई सतीश करेगा हैंड ओवर। अभी उसको बुला रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा है 10 मिनट बुला रहा हूँ, बाकी भाई काम हो गया शुरू। भाई अजय का ब्लॉग बनाने के लिए आ गया भाई, अजय का नौकर जो कि भाई फ्री का है, इसे एक रुपये देने पड़ते हैं। मेरा नौकर नहीं, मेरा तो बेटा है। गाइस ये सॉकर खुल चुकी है, और ये देख लो सील डल रही है, ये चेक करो। बाकी बीच लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा बदतमीज है ये, बेशरम कही क्या, शर्म कर ले। बाकी भाई अजय का काम चल रहा है भाई बहुत अच्छे से, ये देख लो सॉकर बना चुका है, बस फिलहाल फिट होगा। बोल इसने टाइट किया, इसे भरोसा मत कर, सही से चलियो, क्या पता इसने ब्रेक ही टाइट नहीं किया हो सही से। जा रहा भाई टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, बाइक रेडी हो चुकी है, अजय की बाइक भाई उसके घर पे लगा दिया है, और अभी हम जा रहे हैं काम से भाई। दोस्त यार कुत्ता तो बनना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता भाई, आज का काम हम करेंगे तो हमारा काम करेगा कुत्ते भाई। देख लो स्कूल बन रहा है भाई, कल के भाई सतीश का घर और अजय के घर भाई बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इस स्कूल के कारण, और पीछे एक हॉस्पिटल भी बनता था, मैंने अपने पिछले व्लॉगों में दिखाया होगा। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।